नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम अपने सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देते हैं। आप सभी की दीपावली बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। आप सबके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दीपावली का त्योहार हम कब मनाएं और दीपावली का जो माता लक्ष्मी का पूजन है वह हमें किस मुहूर्त में करना है, शुभ मुहूर्त के बारे में हम जानेंगे। दीपावली पूजा की तैयारी हमें कैसे करना चाहिए और दीपावली पूजा की विधि आप सब लोगों ने बहुत पसंद की। दोस्तों, उसी वीडियोस पे बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं जिनका जवाब देना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला तो सवाल है कि ये जो दीपावली पे हमने इसका इस्तेमाल किया था, ये आप देख सकते हैं, इसे चौघड़िया कहते हैं और ये चार कुल्हड़ों को मिला के बनाया जाता है। तो ये सबको बहुत कंफ्यूजन है कि इसके अंदर हमने क्या क्या रखा हुआ था और ये कहाँ मिलेगा, और यदि ये नहीं मिलता है तो इसकी जगह पे हम क्या इस्तेमाल करें। तो आज हम इस वीडियो में सभी जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले हम पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे। दोस्तों, दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। तो वर्ष 2019 में अमावस्या तिथि 27 अक्टूबर को पड़ रही है। जैसा कि यह सूर्योदय से नहीं है, दोपहर से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो हमें किसी भी तिथि का मान्य हमें सूर्योदय के साथ करना चाहिए, यानी कि जब सूर्योदय हो रहा हो और जिस समय जो तिथि होती है उसी का मान्य करना होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि अमावस्या तिथि का मान्य दोपहर के समय लिया जाता है। यदि दोपहर यानी 12 से 1 बजे के बीच में अमावस्या तिथि है तो उसी तिथि का मान्य हमें करना चाहिए। अमावस्या तिथि पितरों के लिए होती है, पितरों के दान पुण्य, उनको श्राद्ध तर्पण यानी उन्हें हम उनके निमित्त कोई भी कार्य करते हैं अमावस्या तिथि पर तो उन्हें सीधे पहुंचती है। तो इसी अनुसार पितरों के पूजन के लिए दोपहर का समय बहुत ही शुभ होता है और अमावस्या तिथि का इसीलिए मान्य किया जाता है। जब दोपहर में अमावस्या होती है उसी दिन हमें अमावस्या मनाना चाहिए। तो इसी मत के अनुसार 27 अक्टूबर को दोपहर के 12:00 पर अमावस्या तिथि लग रही है और संध्या को जो अमावस्या हमें शुभ मुहूर्त चाहिए पूजा के लिए माता लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन के लिए वह भी हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए 27 अक्टूबर को अमावस्या तिथि यानी दीपावली पूजन के लिए बहुत ही शुभ होगा। दूसरे दिन सूर्योदय के साथ तो अमावस्या तिथि हमें मिल रही है, लेकिन दोस्तों वह 9:00 पे ही समाप्त हो जाएगी। तो संध्या के समय हमें ना ही पूजन करते समय अमावस्या तिथि प्राप्त होगी और ना ही दोपहर में हमें अमावस्या तिथि मिलेगी। तो इस वजह से आपको 27 अक्टूबर को ही अमावस्या तिथि का मान्य करना होगा और संध्या के समय हमें शुभ मुहूर्त में पूजन करना होगा, जिसकी जानकारी हम आपको स्क्रीन पे डिटेल से देंगे, जिससे आप उसी समय अपने घर में माता लक्ष्मी और गणेश का पूजन करें और वर्ष भर माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है ये आप सबको पता है। भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके और अपनी पत्नी माता सीता को लेकर अयोध्या वापस आए थे। तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन में यानी उनकी खुशियों में पूरे शहर को, अयोध्या नगरी को दीपों से सजाया था और तभी से यह दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, इस दिन आपके घर के हर एक कोनों में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। छत पे यानी जहाँ पे अंधकार है वहाँ पे हमें प्रकाश जरूर फैलाना है और वह इस तरह से तेल के दिए जलाने चाहिए, यानी कि मिट्टी के दियों का प्रयोग करके इसमें आप हो सके तो तिल का तेल का इस्तेमाल करके हर जगह जलाएं और ये बहुत ही शुभ होता है, हमारे घर के लिए मंगलकारी होता है। और सर्वप्रथम आपको इस तरह से एक दीपक लेना है बड़ा, इसमें आप घी डाल के इसे प्रज्वलित करेंगे अपने कुल देवता के नाम से, अपने इष्ट देवता के नाम से, और उसके बाद इसी दीपक से आपको सारे दियों को प्रज्वलित करना चाहिए। यही दिया जलाने का यानी कि दीपावली पे दीपक प्रज्वलित करने का यही विधान माना जाता है और यही हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरीके से आप अपने घर पर मिट्टी के दिए का इस्तेमाल करें और इसमें तिल के तेल का इस्तेमाल करते हुए अपने घर के
गली मोहल्ले यानी चौराहे पे, मंदिर में, पीपल के वृक्ष के नीचे, हर जगह आपको दीपक अवश्य लगाना चाहिए। पितरों के नाम से भी दीपक, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस दी हैं, जिसमें मैंने नरक चतुर्दशी की पूजा विधि बताई है और धनतेरस की पूजा विधि बताई है, तो उसमें भी ये दीपकों का विधान मैंने बताया है कि आपको किस तरह से कहाँ कहाँ पे दीपक प्रज्वलित करना है। इस बारे में आपको बताना चाहते हैं कि जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी कि हम इसका कैसे इस्तेमाल करें, तो ये चारों वाला जो चौघड़िया का कुल्हड़ होता है, इसमें माता लक्ष्मी के निमित्त हमें भोग लगाना होता है। मार्केट में इस तरह से कुल्हड़ भी मिलता है सिंगल, तो आप इस तरह से चार ले सकते हैं और इसमें भी आप यही चीजें भोग लगा सकते हैं। ये देखिए, आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये काफी बड़ा सा होता है और ये इसके लिए अलग से ढक्कन होता है, तो इस तरह से ढक के भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको ये नहीं मिलता है तो यहाँ पे मैंने लिया है। और खील बतासे भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि खील बतासे किसे कहते हैं, तो ये चीनी की जो बनी मिठाइयां होती हैं, ये अलग अलग प्रकार के इसमें डिजाइन बने रहते हैं और ये जो हमारे जानवर होते हैं उनकी आकृति बनी रहती है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं खील बतासे, ये चीनी द्वारा बनाई जाती है और ये है बताशे, जो कि देवी के पूजन में बताशों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है और बहुत शुभ भी माना जाता है। और ये है धान के लावा, ये धान से बनाए जाते हैं और ये भी धान की लाई है, जिसे मुरमुरा भी कहीं कहीं बोला जाता है। और ये है चिवड़ा, जिसे पोहा के नाम आप देख सकते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को हम इसमें अलग अलग से भरते हैं और थोड़ी सी इसमें आप मिठाइयां भी रख सकते हैं जो आपके पास में हो। तो अलग अलग जैसे ये चार चीजें हैं, तो इसमें आपको इस तरह से भर देना है और हर कुल्हड़ में आपको थोड़ी थोड़ी मिठाइयां और बतासे भी डालनी चाहिए। ये इस तरीके से इसमें हम डालेंगे मुरमुरा और इसमें भी आपको ये डाल देनी है। और एक में ये जो लास्ट वाला है, हम डालेंगे इसमें रेवड़ियां, आप देख सकते हैं। और ये गणेश भगवान को बहुत ही प्रिय है, उनके भोग में रेवड़ी का प्रयोग करना चाहिए। इसे आपको माता लक्ष्मी को इसमें भोग लगाना है और उसके बाद इसे रात्रि भर आपको वहीं पे छोड़ देना है। एक ग्लास में जल आपको रखना है और सुबह में जब सभी चीजें आपको हटानी है, उसके बाद ये प्रसाद को आपको सर्वप्रथम हटाना है, पूरे परिवार को पहले थोड़ा थोड़ा सा ले लेना है, उसके बाद बहुत ही सेफली इसको डिब्बे में आपको स्टोर करके रखना है। और जब भी आप किसी खास मौके पर जा रहे हैं, आप किसी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं या आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर आप किसी बीमारी के लिए आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो भी इसका सेवन करके यदि आप निकलते हैं तो आपका कार्य पूरा निर्विघ्न पूर्ण होता है, आपके हित में होता है, भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं और माता रानी की भी कृपा होती है। दोस्तों, हम लोग आज करीब 5-6 सालों से इसका इस्तेमाल करते हैं और हर वर्ष इस तरह के भोग लगा के इसे वर्ष भर इस्तेमाल करते हैं। एक वर्ष के बाद जब नई दीपावली पे हम ये नई चीजें रखते हैं, तो जो पुरानी बची हुई चीजें होती हैं उसे आपको गाय को डाल देना चाहिए, यानी उसका अस्तित्व भी कम हो जाता है, यानी उसकी जो पावर होती है वो क्षमता कम हो जाती है, और इधर उधर फेंकने से अच्छा आपको गाय को भोजन के रूप में डाल देना है। तो इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल करें और इसका लाभ देखें। दोस्तों, ये थी जानकारी कि हम इस कुल्हड़ में मैंने क्या भरे थे और खील बतासे किसे कहते हैं। और काफी लोगों का ऐसा भी कमेंट था कि मैडम, आप इतनी ज्यादा भव्यता से आपने इतनी ज्यादा चीजों को इकट्ठा किया है, जिनके पास यह चीजें ना हो, यानी कि जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी ना हो, वह माता लक्ष्मी का पूजन कैसे करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी यानी हमारे ईश्वर को सभी कुछ पता होता है, हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में, हमारी भावनाओं के बारे में। इसलिए पूर्ण श्रद्धा भाव और प्रेम से किया गया पूजा पाठ भगवान को स्वीकार होता है। इसके पीछे की कई कथाएं भी हैं, आपने सुनी भी होगी, जैसा कि सेबरी की कथा आपको याद होगी कि सेबरी ने जूठे बेर खिलाए थे भगवान को, लेकिन भगवान ने ये नहीं माना था कि ये जूठे बेर हैं, उन्होंने सेबरी के भाव को देखा था, प्रेम को देखा था। और इसी तरह से कथा प्रचलित है विदुरानी की, यानी विदुर की पत्नी जो विदुरानी थी, उन्होंने भाव विभोर होकर भाव में केले के छिलके खिलाए थे भगवान श्री कृष्ण को। तो इस तरह से बहुत सारी कथाएं हमें मिलती हैं और जिससे हमें ज्ञात होता है कि भगवान को बहुत ज्यादा हम यदि नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम अपनी भावना,
अपना आभार तो प्रकट कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप 5 चीजों से भी माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, जिसकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। किसी भी तरह से ईश्वर की आराधना करें, उनका चिंतन करें, उनका मनन करें, भगवान आपकी भावना और श्रद्धा देखते हैं। और वैसे माता लक्ष्मी को दरिद्रता और कंजूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ पे दरिद्रता और कंजूसी होती है माता लक्ष्मी कदापि नहीं जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप माता लक्ष्मी के पूजन में पूर्ण भव्यता से उनका स्वागत करें, उनका पूजन करें और उनका वंदन करें। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सिर्फ 5 चीजों से भी हम माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं और अपना आभार और श्रद्धा पकड़ करके उन्हें मना सकते हैं और अपने घर विराजमान कर सकते हैं। और जब हमारे ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होगी तो नेक्स्ट ईयर अगले साल हम पूरी भव्यता से माता लक्ष्मी का स्वागत करेंगे। थैंक यू।